विदिशा जिले के गंज बासुदा नगर में जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरा बाजार बंद है, लेकिन इसके बाद भी लोगों का बेवजह आवागमन बंद नहीं हो रहा है। कोविड से लड़ने के लिए पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गए हैं। SDOP भारत भूषण शर्मा, CTTI सुमी देसाई और देहात थाना प्रभारी BD वीरा और पुलिस बल के साथ सिटी थाने से जयस्तंभ चौक बरेट रोड होते हुए रेलवे स्टेशन फालतू घूमने वालों के साथ चालानी कार्यवाही की। बैंकों के पास लगी हुई भीड़ को डिस्टेंसन का पालन कराते हुए लाइन लगवाई। बहुत दिन बाद पुलिस एक्शन मोड में दिखी। जगह जगह लोगों को रोक कर बेवजह घूमने वालों पर कार्यवाही की। प्रशासन लाख प्रयास कर रहा है, पर कुछ दिन पूर्व भी क्षेत्र के विधायक श्रीमती लीना जैन ने भी नगर भ्रमण कर माइक के माध्यम से लोगों को घर में रहने की अति आवश्यक होने पर मास्क लगाकर निकलने की सलाह दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हुआ है सर, और देखने में आ रहा है जनता मान नहीं रही, बेफिजूल कामों से घूम रही है। प्रशासन द्वारा आज क्या भ्रमण पर कार्रवाई की गई? इसलिए गंज बासुदा में CTTI सुमी देसाई, DI देहात जी, इन सबको पुलिस बल के साथ में पूरा उन स्थानों को चिन्हित करके वहाँ भ्रमण किया है। लोगों में अवेयरनेस लाई है और दुकानदारों को जिनके जो COVID-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं के अगेंस्ट में 180 कार्रवाई की जा रही है। चार लोगों को, संदिग्धों को भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। और बैंक मैनेजर और बाकी लोगों को लाइन लगाने के लिए सोशल डिस्टेंस और मास्क के उपयोग के लिए अवेयरनेस के लिए बताया जा रहा है। व्यापारी सर मान नहीं रहे, कई चोरी छुपे अपनी अपनी दुकान पर 30-40 लोग एक साथ करके दुकानदारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? ऐसे लोगों के विरुद्ध 144 का वायलेशन, 188 का कार्रवाई के लिए हम लोगों ने चिन्हित किया है। एक बार उनको वार्निंग दी है कि सुधर जाएं, और बाकी जो शादी विवाह के लिए जो लोग ग्राहक आ रहे हैं उनकी भी कुछ इससे कोरोना आपदा के टाइम से दिक्कतें हैं, तो उनको सोशल डिस्टेंस के लिए निर्देशित किया गया है। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।